लैंगिक कमजोरी की कहानी एक पेशेंट की जुबानी। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लैंगिक कमजोरी, लैंगिक दुर्बलता, इम्पोटेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकत्व, लिंग में कठोरता नहीं आना, टाइटनेस नहीं आना, आप कुछ भी नाम दो, ये हुआ कैसे और उसकी कहानी एक पेशेंट की जुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कैसा डेवलप हो जाता है? खामोखाब कुछ भी नहीं होते हुए भी सिर्फ दिमाग में एक बार घुस गया तो प्रॉब्लम आ जाता है। मैं हरदम बोलता हूँ कि सेक्स आप करते हैं अलग जगह से, मगर उसका कंट्रोल जो रहता है वो पूरा दिमाग में रहता है। दिमाग में कुछ कीड़ा कांडी घुस गई अंदर, वहाँ कीड़ा कोई घुस गया, वो कीड़ा इतना अंदर कुदरते रहता है कि वो फिर लिंग में कठोरता आती नहीं। अब ये जो मैं पेशेंट आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसकी शादी 4 महीने पहले हुई। उम्र है 27 साल, 4 महीने शादी हो गई। खुद कंपनी में नौकरी करता है। सुबह 8 बजे जाना पड़ता है सॉफ्टवेयर कंपनी में, सुबह 8 बजे जाता है, रात को 9 बजे घर में आता है। ट्रैवलिंग में करीब करीब 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना लगता है। उसकी वाइफ जो है, 4 महीने पहले शादी हुई, वाइफ अकेली ही घर में रहती है। सुबह उसको टिफिन बना दिया जल्दी उठ के, कि बाद में उसको कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ टीवी देखना, व्हाट्सएप देखना, फेसबुक देखना, चैटिंग करना, उसके से उसको कोई काम है नहीं। दिन भर बोर हो जाती है, रात को इंतज़ार करते कि पति कब घर में आएगा और हम बातचीत करेंगे, क्योंकि घर में फिर बाद में फ़ोन फान करो, बाकी कोई मिलने के लिए है नहीं। बड़े सिटी में गए तो आजू बाजू में भी कोई परिचित है नहीं। अभी हुआ क्या, 1.5 महीना उसका अच्छा चला सब शादी के बाद में, और 1.5 महीने बाद में एक दिन जब वो ऑफिस से आया, कंपनी से आया, काफ़ी थका हुआ था, बॉस ने डांट दिया था, काम ठीक से हुआ नहीं था, और घर में आने के बाद में मूड भी ठीक नहीं था। वाइफ तो क्या है कि दोपहर को भी सोती थी, वो तो इंतजार ही कर रही है अभी कब आऊँ, कब आएंगा हस्बैंड, और कब बताऊँगी मैं उसको क्या क्या बताना है। तो और फिर आने के बाद उसने खाना खाया और बोले भी मैं सोता हूँ, तो वाइफ ने बोला कि नहीं सेक्स करना है। 1.5 महीना हुआ शादी को, अब वो तो एकदम ताजी तवानी है, क्योंकि वो तो दिन भर उसने किया ही नहीं कुछ, इसका बिल्कुल ही मूड नहीं है। बॉस ने चिल्लाया था, काम अपूरा था, थक गया था, 1.5 घंटा जाना आना, बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, मगर अभी पत्नी ने बोला है तो नहीं कैसे बोलना है, इसलिए सेक्स करने के लिए तैयार हो गया। और फोर प्ले करने के बाद में लैंगिक कठोरता आई नहीं, थोड़ा वीक कठोरता आ गई, वीक टेंशन आ गया और सेक्स हुआ ही नहीं। जैसे ही सेक्स हुआ नहीं तो वो वाइफ जो थी वो एकदम बोले, अरे तुमको क्या हो गया? और जैसे उसने बोला तुमको क्या हो गया, इसका तो एकदम दिल धड़कना चालू हो गया, यार बाप रे, मैं आदमी में हूँ कि नहीं हूँ, क्या हुआ क्या भाई, एकदम लिंग में कठोरता क्यों नहीं आई? लोगों को क्या लगता है कि एक मशीन है, जब बोले तो खटाखट इरेक्शन आना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। दिमाग ही उसका ठिकाने पे नहीं है, दिमाग ही बॉस ने चिल्ला है, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, आना जाना, इतने ट्रैफिक में आना जाना करना, फिट ही नहीं है फिजिकली मेंटली। और फिर वो जब जमा नहीं, तो वाइफ ने भी उसको बोला, कह रहे देखो क्या हो गया, तो अभी शादी को तो 1.5 महीना हुआ है और अभी कैसा क्या होगा ऐसा। उसको भी लगा कि हाँ बराबर है, तो प्रॉब्लम हो गया अभी, क्या मैं, मेरी कमजोरी क्यों आ गई, मैं आदमी में नहीं रहा, क्या हुआ क्या भाई, होना तो चाहिए था। उसने एक दो लोगों को फ़ोन किया, दोस्त बोले तेरे सिर्फ 1.5 महीना हो गया शादी हो के, हम तो चार चार बार रात को करते हैं, तेरा एक बार भी नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से भी डिप्रेशन आया, टेंशन आ गया, फिर रात को सोया नहीं, दूसरे दिन काम पर फिर गया, काम में मूड नहीं, टेंशन, पहले ही बॉस ने चिल्लाया था, काम अपूरा था, एक्चुअली लीव डालना चाहिए था मगर डाली नहीं, क्योंकि फिर चिल्लाएंगे बॉस, काम किया कैसा था भी पूरा, और फिर दिमाग में वही विचार चालू, आज रात को जाऊंगा तो जमेंगा कि नहीं जमेंगा, बस वही कंटिन्यूस चालू। ट्रैवल करते 1.5 घंटा आ रहा है, खाना खाया, सोए, बाद में सेम स्टोरी रिपीट, कर नहीं सका, बस पार्टी खत्म, खलास, खेल खलास हो गया। उसको लगा कि अभी तो मैं तो काम से गया। वाइफ ने भी उसको चिल्लाया, वाइफ भी बहुत नाराज हो गई, बोले अभी तो 1.5 महीना शादी को हो गया, अब मेरा कैसा होगा, तुम तो भी रहे नहीं काम के, ऐसा वैसा, वो भी रोना धोना चालू किया उसने। उसको लगा कि बाप रे अब क्या हो गया न क्या नहीं, और उसको भी लगा कि बाप रे अब तो वे चले जाएंगे क्या न क्या होगा, सब इतना धींगाना, मतलब रात भर। और तब से फिर उसका टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दिमाग में कंटिन्यूस वो है। एक दो डॉक्टरों के पास में गया, डॉक्टरों ने उसको कुछ कुछ अलग अलग थेरेपी ट्रीटमेंट बता दिया, कुछ जमा नहीं। मुझे कंसल्ट किया, मैंने उसको बताया कि देखो आपको यदि दिमाग में विचार से आपका ब्रेन पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है दिमाग पूरे विचारों से, टेंशन से, एंग्जाइटी से, क्या होगा क्या नहीं,
तो सेक्स के विचार आने को जगह कहाँ है वहाँ? आपको वहाँ जगह करने देनी होंगी सेक्स विचारों के लिए, वहाँ जगह ही नहीं है सेक्स के विचारों के लिए, पूरा भरा हुआ है टेंशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन और चिंता कि होगा नहीं होगा। अब सेक्स के विचारों को जगह कहाँ है अंदर, कैसे क्या होगा? मैंने बोला कि अभी ये छोड़ दो आप। मैंने उसको पूरी ट्रीटमेंट अमेरिकन मेथड से हम इलाज करते हैं, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक, स्टॉप एंड स्टार्ट स्क्विज टेक्निक, दवाइयाँ दिया उसको टेंशन कम करने के लिए, दवाई दिया, मतलब फिर तुम ये 2-3 दिन सो जाओ, भी आराम करो। वाइफ से मैंने बात किया, उनको बोला कि आप चिंता मत करो, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ हुआ नहीं इसको, सिर्फ आप प्रेशर दे रही है, टेंशन दे रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, जस्ट बी रिलैक्स्ड, कुछ नहीं होने वाला है। दोनों को भी मैंने रिलैक्स करवाया, दोनों को एश्योर करवाया कि कुछ होने वाला है नहीं, शांति रखो। मैं बोलता हूँ ऐसा करो, मैंने काउंसिलिंग का हमारा सेमिनार होता है, वो हम एक दिन आड़, एक दिन आड़, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के, एक दिन बात करते रहते हैं, जिसमें मैं लोगों को गाइड करता हूँ, बोलता हूँ कि अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो, आज रात को ये करना है, कल रात को ये करना है, मतलब उनको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि दोनों भी आ जाओ, दोनों भी आते हैं और उनको गाइड करते करते उनका 10-12 दिन में पूरा क्लियर कर देता हूँ। जैसे उनको मैंने गाइड किया, कोचिंग किया, उनको सलाह दिया क्या करना, काउंसिलिंग किया, तो पूरा नॉर्मल आ गया, बोले हम तो पूरी ज़िंदगी हमको वापस मिल गई, नहीं तो बस सोच रहे थे कि अभी अपने को डिवोर्स लेना पड़ेगा, और वाइफ तो बोल रही थी कि अभी मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मैं तो चले जाती हूँ, आप तो कोई काम के नहीं है, मतलब यहाँ तक आ गया था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि दिमाग में यदि पूरे टेंशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन के विचार है और एक बार वो कीड़ा अंदर घुस गया कि मेरा जमता नहीं है, बस खलास, प्रॉब्लम खत्म। तो दिमाग जो है उसमें विचार सेक्स के लाना पड़ता है, कृति करने के समय, सेक्स करने के समय पूरा जो ख्याल है वो सामने वाले पार्टनर के ऊपर रहना चाहिए, वो एंजॉय करना चाहिए। गीता में तो लिखा है कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, ये कहीं भी लागू होता है जीवन में, कहीं भी कर्मण्येव, कर्म करो, कर्म के ऊपर रखो, चिंता मत करो फल मिलेगा नहीं मिलेगा। इरेक्शन आना और सेक्स करना ये फल है, काम कौन सा है, एंजॉय करना है, फोर प्ले, वो एंजॉय करेंगे तो होगा। आप कहीं भी, आपके दिमाग में टेंशन होगा कोई भी, तो वो काम होगा ही नहीं कोई भी कारण। तो हरदम कर्म के ऊपर फोकस करो, कर्म करना पड़ता है। इसमें तो हम बोलते हैं कि काम वासना, तो वासना अंदर आने के लिए विचार टेंशन के नहीं होना चाहिए। ये आपको अच्छा लगा था जो लोगों को शेयर करो, काफ़ी लोग इससे परेशान हैं, प्रॉब्लम उनका हट जाएगा, उनका मैरिड लाइफ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।